हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल अफेंटेसी एक्सपर्ट फैच पर। एंड आज हम बात करने वाले हैं कैरिबियन मैक 60 लीग के बारे में। आज का मुकाबला CAT यानी कि कैरिबियन टाइगर वर्सेस NYS न्यूयॉर्क स्ट्राइक के बीच में होगा। रात के 10 बजे ये मैच स्टार्ट हो जाएगा और 1 करोड़ का ये मुकाबला होने वाला है। अगर आप सब भी ड्रीम इलेवन ऐप यूज़ करते हैं और आप लोग अभी तक कोई भी बड़ा अमाउंट विन नहीं किए हैं ड्रीम इलेवन से, तो इस वीडियो के थ्रू आप लोग काफ़ी अच्छी विनिंग कर सकते हैं, क्योंकि 1 करोड़ का मुकाबला होने वाला है और हम काफ़ी अच्छे विनिंग से करीब भी हमारी टीम काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस भी करती है। तो जो लोग विनिंग्स करना चाहते हैं और अच्छा अमाउंट कमाना चाहते हैं, तो वो सब बंदे वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखेंगे। जो बंदा इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देख लिया, समझ लीजिए वो आज के दिन काफ़ी अच्छा विनिंग करेगा। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को लाइक जो लोग नहीं किए हैं जल्दी जल्दी लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपके पास हमारी सभी वीडियो टाइमली पहुँचती रहेगी और आप लोग टाइमली विनिंग करते रहोगे ड्रीम इलेवन से। तो सब्सक्राइब एंड लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए, आज देख लेते हैं कौन से ऐसे प्लेयर हम अपने टीम आज रखेंगे जो आपको काफ़ी अच्छा फैंटेसी पॉइंट दें और उनका परसेंटेज सिलेक्शन लेवल भी काफ़ी लो रहे। ठीक है, तो कौन से ऐसे प्लेयर होने वाले हैं मैं आपको पूरे डिटेल से दिखाऊंगा, तो वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा। सबसे पहले तो आज का पिच रिपोर्ट जान लीजिए। आज का जो मैच है वो पिच रिपोर्ट बैलेंस होने वाला है। ठीक है, इस पिच के ऊपर विकेट्स जो हैं पेसर गेंदबाज जो हैं उनको काफ़ी विकेट्स मिली हैं। टोटल रन यहाँ पर 100-110 के करीब बन जाता है, वो एवरेज रन यहाँ पर माना जाता है। तो ये 3 रिकॉर्ड हैं बेसिक्स, तो इसी के बिहे पर मैं आपको टीम देने जा रहा हूँ। और दूसरी चीज़ कि ये हमारी जो टीम है वो फाइनल टीम नहीं होगी। आप सब भी जानते हो कि T10 मैच में या फिर ऐसे कुछ मैचों में कई सारे प्लेयर आपको देखने को मिल जाएंगे, 20 से 25 प्लेयर दिख जाएंगे एक ही टीम से। अब कौन से ऐसे 11 प्लेयर होंगे जो दोनों टीम से परफॉर्मेंस करेंगे आज के दिन, उनका कन्फर्म है खेलेंगे नहीं, तो वो हमें नहीं मालूम होता है और ना ही आपको पता होता है। जैसे ही टॉस होगा, आप लोग भी जानते हो, टॉस के बाद प्लेयर अनाउंस जो होते हैं वो दिख जाएंगे आपको कि ये प्लेयर आज के दिन परफॉर्म करने वाले हैं इस मैच के अंदर। ठीक है, तो उसी के बिहे पर मैं आपको फाइनल टीम देता हूं, क्योंकि मैं अक्सर यही देखता हूं कि मैं अपने टीम में किसी मान लो 11 प्लेयर को रखा, उसमें से कभी कभी दो प्लेयर एक प्लेयर ऐसे निकल जाते हैं जिनको आज के दिन खेलने का मौका नहीं मिलने वाला। तो उसमें क्या है कि आप लोग सोचो कि यही फाइनल टीम है, अभी ज्वाइन कॉन्टेस्ट करके फाइनल के लिए उसी को छोड़ दिए, तो उसमें लॉस हो सकता है, क्योंकि आपका एक या दो प्लेयर पॉइंट ही नहीं दिया, 0 पॉइंट दिया, तो उससे लॉस हो सकते हैं। तो उसी कंडीशन में आपको फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करना होगा। ध्यान से सुनिए, टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करना होगा आप सबको। बिल्कुल फाइनल टीम, जिस टीम से मैं खेलूँगा वही टीम आपको फाइनल टीम वहाँ पर दे दी जाएगी। बिल्कुल आसान तरीका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कोई भी वीडियो हमारा उठाइए, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर बिल्कुल फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टीम मिलती है, वो भी मैं जिस टीम से खेलता हूँ वो वाली। तो जिनको बिल्कुल ही आइडिया नहीं है क्रिकेट के बारे में वो ज़रूर ज्वाइन करेंगे। एंड अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया होगा मुझे मालूम है, तो प्लीज़ दोबारा से रिवाइज़ करा देता हूँ, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसी के थ्रू आप लोग आगे बढ़ सकते हो अपने जीवन में। ठीक है, देखिए आज के हम विकेट कीपर बैट्समैन की बात करेंगे, तो दो प्लेयर अभी टॉप ऑर्डर में चल रहे हैं जो कि परफॉर्मेंस में काफ़ी हाई कर रहे हैं, मुंशी और यहाँ पर के लुइस। इन दोनों में से हमें एक प्लेयर को सिलेक्ट करना है। लुइस की बात करेंगे तो ये प्लेयर जो है अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, वापसी भी किए हैं, कई बार फ्लॉप भी हुए हैं, बट वहीं अगर मुंशी की बात करें तो ये प्लेयर काफ़ी अच्छा रहेगा आपके टीम के लिए और हमारे फैंटेसी पॉइंट्स के लिए। बैट्समैन की अगर हम बात करें तो सी मुनरो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा बैट्समैन हो सकता है आज के दिन, और ये प्लेयर परफॉर्म भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। जे ब्राउन ये भी आपको बहुत अच्छा प्लेयर देखने को मिल सकता है, फैंटेसी पॉइंट ये प्लेयर है। ये दो बैट्समैन पहले तो आप सब अपने टीम में सेलेक्ट कर लेना। तीसरा जो है हमारा CAT के एन होबर्न्स रहेंगे, होब्सन, ठीक है, एन होब्सन आपके टीम में तीसरा प्लेयर रहने वाला है आज हमारे बैटिंग वाले सेक्शन में। ठीक है, ये तीन को ज़रूर रखिएगा, ये तीनों आप लोगों को 100% है 100 फैंटेसी पॉइंट प्लस दे के जाने वाले हैं। ठीक है, अगर हम ऑलराउंडर्स की बात करेंगे तो आई उधाना रहेगा पहला हमारा ऑलराउंडर प्लेयर, दूसरा ओवेन रहने वाले हैं जो कि दोनों ही पेसर गेंदबाज हैं। विकेट्स के हिसाब से पेसर्स को विकेट्स भी काफ़ी मिलते हैं इस पिच के ऊपर और पेसर को हमने रखा भी है, और ये जो ऑलराउंडर है वो आपको तीसरे
या चौथे नंबर पर दोनों ही बैटिंग करते हुए देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये प्लेयर हमें पॉइंट्स देकर जा सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग इसको ध्यान में रखते हुए अपने टीम में सिलेक्ट करते हो तब, ठीक है। तीसरा जो हमारा सीएटी का स्पिनर गेंदबाज एम लेक्स रहने वाले हैं रिस्क, ये भी प्लेयर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। टी परेरा पिछले मैच में हमने ट्राई किया था, वापसी किया है इन्होंने काफ़ी अच्छा। तो ये चार ऑलराउंडर रख सकते हैं आप सब अपने टीम के लिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बॉलर्स की अगर हम बात करेंगे तो एट है, ये प्लेयर आपको बहुत अच्छा फैंटेसी पॉइंट देखा जाएगा। देखिए पिछला अभी तक जितना भी मैच हुआ है सब में डी टी प्लेयर यानी ड्रीम इलेवन टीम में सिलेक्शन हुआ है इस बंदे का। पिछला मैच इनको ड्रॉप किया गया था, बट आज के दिन वापसी करेंगे मेरे ख्याल से जहाँ तक लगता है, तो इनको ज़रूर टीम में सिलेक्ट करना है। वहीं अगर हम बात करें सी ए टी की दूसरे बॉलर की, तो यहाँ पर बी कुरी ये अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं और सिलेक्शन परसेंटेज भी काफ़ी कम रहा है, और ये सब्स्टिट्यूट प्लेयर हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, सब्स्टिट्यूट प्लेयर हैं। तो ये आपको फैंटेसी पॉइंट काफ़ी अच्छा देकर जा सकता है, तो इसके भी सिलेक्ट करने का आपको हक है, ठीक है, इसको भी रख लीजिएगा अपने टीम में। तीसरा जो है हमारा बॉलर ए पटेल की तरफ आप लोग जा सकते हैं, देखिए इनका भी फैंटेसी पॉइंट काफ़ी अच्छा रहा है, तो ये तीन हमारे बॉलर हो जाएंगे। देखिए दोस्तों हमने जो टीम दी है आपको, विकेट कीपर एक, तीन बैट्समैन, ऑलराउंडर हमने चार दिया है, बॉलर तीन, हमारी जो टीम बन के तैयार हुई है कुछ इस टाइप की है। अगर आप लोग फाइनल टीम से खेलना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम को चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, एंड जो भी कैप्टन वाइस कैप्टन है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कैप्टेंसी के लिए मैं आई उधाना की तरफ ले जाऊँगा, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं प्लस फैंटेसी पॉइंट्स भी काफ़ी अच्छा रह रहा है, तो कैप्टेंसी मैं इसको थमा रहा हूँ अपने टीम के लिए। वाइस कैप्टन आप लोग सी मुनरो की तरफ या फिर मोन्सी की तरफ जा सकते हैं, ठीक है, ये दो वाइस कैप्टन आप लोगों के लिए काफ़ी बेस्ट हो सकता है, ये दोनों में से आप किसी को भी सिलेक्ट कर लो। फिलहाल मैं इन दोनों को ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। फाइनल टीम में मैं क्या किसको रहने वाला हूँ सब कुछ आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा, तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करना है आप लोगों को, और वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबसे दोबारा मिलते हैं अगले प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।